Hello everyone, and teacher for your question. If isotopic distribution of carbon 12 and carbon 14 is 98% and 2% respectively, then the number of C14 in 12 gram of carbon is. तो हमें C14 12 gram के अंदर कितना है और जो isotopic distribution है carbon 12 का है 98% और carbon 14 का है 2%. तो यहाँ पे हमें एक बात क्या पता है कि जो हमें गिवन दिया है कार्बन 12 जो है वो है 98%, कार्बन 14 है 2% और हमें फाइंड आउट करना है कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर कार्बन 14 के मॉलिक्यूल कितने हैं, कार्बन 14 के मॉलिक्यूल कितने हैं? तो यहाँ पे हम एक बात पता है कि कार्बन हमारे पास 100 ग्राम यदि है तो अभी अभी 14 का हमें निकालना है. तो यहाँ पे हम 100 ग्राम के अंदर ऐसा बोल सकते हैं कि 2 ग्राम C14 है. तो यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल में कार्बन उन्होंने दिया है 12 ग्राम. तो 12 ग्राम के अंदर उसका जो अमाउंट रहेगा वो x ग्राम रहेगा जिसके अंदर C14 प्रेजेंट है. तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x ग्राम ऑफ C14 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 12 इंटू 2 डिवाइड बाय 100. तो ये जो कैलकुलेशन आएगा वो 24 बाय 100, तो ये आ रहा है आपका 24 बाय 100. इसका मतलब ये आ रहा है 0.24 इतना ग्राम. ठीक है, तो यहाँ पे आपका 0.24 ग्राम C14 आ रहा है. तो इसके नंबर ऑफ मोल निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ C14 तो आएंगे 0.24 डिवाइड बाय C14 का मोलर मास 14 है. तो यहाँ पे 14 से डिवाइड करेंगे तो इसके मोल आ रहे हैं 0.01714 इतने मोल आ रहे. तो यहाँ पे मैं स्टेप नंबर 2 लिख रहा हूँ. तो यहाँ पे तो हमारे पास कार्बन 14 के मोल ऑफ C14, तो यहाँ पे हम 0.01714 मोल ऑफ C14. तो यहाँ पे हमें मोल जो है यहाँ पे मोल नंबर डालना है 0.01714 और यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर पुट करेंगे ऑफ C14. तो ये कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो ये कुछ आ रहा है इस तरह से 0.10325 इंटू 10^23 कार्बन 14 के एटम रहेंगे. तो इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा 1.0325 इंटू 10^22 कार्बन 14 के एटम रहेंगे. तो यहाँ पे हम फाइनल कंक्लूजन जो है वो ऐसा रहेगा कि इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन C14 इज 1.0325 इंटू 10^22 एटम्स.
ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन वन इज करेक्ट आंसर। तो आंसर नंबर वन इज करेक्ट आंसर। आई हैव अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।